तो जैसा कि आप सबने देखा, लल्लन और कल्लन तबाह होने पर मजबूर हो गए हैं। पर जनता यहाँ पर आखिरी बार इन लजीज कबाबों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं। जनता मांगे मोर, क्या लल्लन कल्लन है चोर? आइए जानते हैं इस भूखी जनता से। तो कहिए, आप बताइए कि आपको कौन सा यो कबाब या लजीज कबाब कौन सा पसंद है? लजीज कबाब। लजीज कबाब। लजीज कबाब। एक्सक्यूज मी सर, सर आप तो यो कबाब अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अफोर्ड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद भी तो कोई चीज होती है। यो कबाब में ये लजीज कबाब वाली बात नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने सुना, लोगों का मानना है कि लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर है, पर इन पर रेसिपी चुराने का इल्जाम भी लगा हुआ है। क्या महिला पुलिस थाने की दोनों SHO हसीना मलिक और करिश्मा सिंह इन दोनों भाइयों को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या वो देश पर उठी उंगली का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगी? कबाब की सामग्री अगर एक है तो स्वाद अलग कैसे? यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही पुष्पा जी, और अगर ऐसा है तो फिर तो ये केस हमारे फेवर में है। पर... जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। यो कबाब और लजीज कबाब की लैब रिपोर्ट्स आ गई है। ये गुड। बहुरानी ने खाए 12 पीस। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, संतोष जी आपके लिए सनी का सर फोड़ दूं। मैडम सर, जब तक वो लैब रिपोर्ट आ रहा था ना, उसी दौरान हम थोड़ा सोचे कि इसे शेरो शायरी कर ले, वही वाला लिख दिए मैडम। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हुआ मैडम सर? इनका टेस्ट अगर इतना अलग है तो फिर इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली सेम कैसे? एग्जैक्टली मैडम सर, अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत भी अलग होते तो हम उनको निर्दोष साबित कर सकते थे, लेकिन अब तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लल्लन और कल्लन की दुकान 60 साल पुरानी है, और ये यो कबाब वाला तो मुश्किल से 1 साल हुआ मार्केट में आया है, फिर भी ये रेसिपी उसकी कैसी हुई? वही तो बात है ना पुष्पा जी, IP लॉ के हिसाब से जिसने पहले पेटेंट बना लिया रेसिपी उसकी। IP की नजर में मुंह जबानी बोली हुई रेसिपीज या फिर परंपरागत रेसिपीज के कोई मायने नहीं होते, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार विदेशी कंपनियों ने हमारी ट्रेडिशनल चीजों पर, जैसे बासमती राइस है या फिर हल्दी है, उन पर खुद के नाम का पेटेंट बनवाया है। हे भगवान, ऐसे तो हमारे समोसे, राजमा चावल, पराठे, छोले भटूरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लल्ला को हमारे हाथ का अचार बहुत पसंद है, ऐसे तो वो लोग उसे भी चुरा लेंगे और हमें अचार बनाने से मना कर देंगे। इससे पहले कि उनकी नजर हमारे खाने पर पड़े, आज शाम को ही हम घर जाके सारी प्रक्रिया कागज पे लेके उसका पेटेंट बना देंगे। इतना आसान नहीं है पुष्पा जी, पेटेंट बनवाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश की कितनी ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका कोई पेटेंट ही नहीं है, और इस बात का फायदा उठाते हैं ये बिल स्मिथ जैसे लोग। तो मतलब लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करने का कोई और तरीका नहीं है? अभी तक तो नहीं। अरे अरे, कौन है आप भाई साहब? कौन है आप? क्या हो रहा है यहाँ पर? आस्तीन का सांप है, लल्लन और कल्लन का पुराना खानसामा। इसी ने यो कबाब को उनका रेसिपी बेचा है। बोल बोल। माफ कर दीजिए, मैंने ही लजीज कबाब की रेसिपी चुरा कर यो कबाब को 10 लाख में बेच दी थी। बस चीता, अंदर डाल इसे, जा। 10 लाख में बेचे हैं लालची कहीं। देखा मैडम सर, कर दिया हमने केस सॉल्व। अब इसकी गवाही से ना हम लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करेंगे। कहा था ना कर देंगे केस सॉल्व बिना किसी मदद के। कर दिए।
आइए। एक मिनट पुष्पा जी, हमारे परमिशन के बिना स्टोप आदमी को अपने बाहर काहे निकाला? हमारे ऑर्डर्स थे। देखिए मैडम सर, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं आप हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए। टेम्पररी ही सही, लेकिन हम भी एसएचओ तो हैं अब, और यही हमारा तरीका है मैडम सर, इसलिए ये टोपा तो अब अंदर ही रहेगा। अब्दुल जाएगा और आज ही जाएगा। वैसे तो हम आपको कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझते, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वजह सुन लीजिए। आइए। दिखाइए पेपर्स। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमको अब्दुल की जमानत करा दी है। ये लीजिए बेल के पेपर, लीजिए लीजिए। अब आप हमारे एम्प्लॉय को हवालात में नहीं रख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एक स्पेशल चीज और लाए आपके लिए, कोर्ट का सम्मान। लीजिए लीजिए, देखिए। हमारे एम्प्लॉय को जबरन पकड़ने, टॉर्चर करने और झूठा बयान लिखाने के लिए परसों कोर्ट पहुंच जाइएगा, और देखिए लेट ना कीजिएगा। ऐसा है, हमारे बॉस मिस्टर बिल स्मिथ, सीईओ ऑफ यो इंटरनेशनल कबाब, बहुत पावरफुल आदमी है, आप लोग मिलकर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका। तुमको चाय पिलाते हैं। हाँ चलिए। यहां पर दो दो एसएचओ होकर भी एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग जानते हैं पब्लिक का प्रेशर कितना है और पूरे देश की इज्जत दांव पे लगी है। हम किसी भी सूरत में उस फिरंग के आगे हार नहीं सकते। सर सर, आप गुस्सा मत होइए, आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल मंगाए हैं। नहीं पुष्पा जी, राजमा चावल तो बिल्कुल भी नहीं। तो छोले चावल? नहीं, आज मेरा गुस्सा कबाब से ही उतरेगा। पुष्पा जी, आप राजमा चावल लाइए ना, फेंकिएगा मत, हमको दे दीजिएगा। सुबह से भूखे हैं, इतना जोर का भूख लगा था ना हमको, हम क्या बताएं, हम खा लेंगे। संतोष जी आप खाइएगा। नहीं आप राजमा चावल रहने दीजिए, क्या है ना कि आप खाती हैं तो आपको गैस हो जाता है, फिर रहने दीजिए, आप मत खाइए। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? पुष्पा जी मैं बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी होगा तो? अरे क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि मसला कितना बड़ा है? अगर लल्लन कल्लन की दुकान बंद हो गई तो मैं इतनी बढ़िया कबाब कहाँ पर खाऊंगा? सर माफ कीजिए, लेकिन ये मुद्दा अब आपके कबाब खाने से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। देश की इज्जत का सवाल है सर, और हम सच कह रहे हैं, हम हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं। हमने कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ की सारी किताबें पढ़ ली हैं, उसके सारी दफा छान मारी है, हम सीनियर लॉयर से कंसल्ट कर चुके हैं, यहाँ तक हमने कुछ पुराने केस स्टडीज भी पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एसएचओ बनने के बाद दिखावा भी करना पड़ता है। सही सोच रही हैं आप मैडम, जो दिखता है वही बिकता है। तुमको सुनाई आया भी? हाँ, आप इतना जोर से सोचेंगी तो सुनाई देगा ना। कोशिश सिर्फ इन्होंने नहीं सर, हमने भी किया है। की है सर? करिश्मा मैडम ने अब्दुल को अपने बाइक के पीछे रस्सी से बांध के दौड़ाते दौड़ाते थाने लेकर आई है। सर हमने लजीज कबाब के 60 साल पुराने खानसामे का लिस्ट निकाला है। 6 घंटे 600 किलोमीटर बाइक चला के उस दगाबाज को पकड़ के यहाँ लाए थे, तो कोशिश तो हमने भी किया सर। हमें कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। उस फिरंग के झूठ के आगे हमारा देश जीतेगा। ये केस कल के कल सॉल्व होना चाहिए।
नहीं तो तुम दोनों का ट्रांसफर कुकरेल के जंगल में कर दूंगा, जहां पर इंसान कम जानवर ज्यादा रहते हैं, वहां उनके केस सॉल्व करते रहना। जय 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 हिंद।